गजेंद्र, गिरिराज, अरब सिमर आई नहीं क्या अभी तक? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं। ये तो बड़ी देर लगा दी इन लोगों ने। जरा उन्हें फोन लगाना, पूछो कहाँ रह गए। भैया दूज की रस्में भी शुरू करनी है। जी माँ, अरब को फोन लगाओ। पता नहीं कहाँ रह गए। देखिए, मैं जानती हूँ कि ये मूर्ति आपकी दुकान की नहीं है, लेकिन हम इस मूर्ति को छोड़ने के पैसे भी देने के लिए तैयार हैं। अब बस ये पैसे ले लीजिए और मूर्ति रख लीजिए। मैडम, आप एक काम कीजिए, इस मूर्ति को ले जाकर कहीं तोड़कर फेंक दीजिए। कितनी बदसूरत मूर्ति, कौन रखता है? ना बाबा ना, हम तो नहीं रख सकते। आप इसे कहीं और ले जाइए। सुनिए, एक कैसा आर्ट इधर, कदरे नहीं आर्ट की। हेलो, क्या बड़ी माँ गिर गई? हम बस अभी आ रहे हैं दी। क्या हुआ? हरफ जी, बड़ी माँ गिर गई, जल्दी चलिए। किशन, यस सर, बैकेट में लगा देना इसको। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, ऐसे कैसे कर सकती? मत, ठीक है ना बड़ी माँ, कुछ नहीं होना उन्हें, कुछ नहीं होना। सिमर, सिमर, कुछ नहीं होगा, धीरज रखो, डॉक्टर देख रहे हैं ना। देखिए, इन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। ये बहुत बुरी तरह से गिरी है। गीतांजलि जी बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए वो बच गई, नहीं तो इनकी हड्डी भी टूट सकती थी। हड्डी टूट जाती? हे माँ दुर्गा, आपकी कृपा से माँ बिल्कुल ठीक है। मैंने दवाइयां लिख दी हैं, लेकिन इन्हें आराम पूरा करना होगा। ऐसे कैसे हो सकता? बड़ी माँ कैसे गिर सकती? उनका तो हर कदम नापातुला होता है। अंधेरे में भी सीढ़ी से उतर चढ़ सकती, तो मैं कैसे? और इन सीढ़ियों में ना पानी गिरा है ना तेल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कहूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि बड़ी माँ को जरूर पीछे से किसी ने धक्का मारा होगा। नहीं 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 थी माँ भाभी, धक्का कौन मारेगा, बस बैलेंस बिगड़ गया होगा। मुझे लगता है हम लोगों को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और बस बड़ी माँ को भी आराम करने देते हैं। ये चलने का निशान, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है? भाभी,
आप बहुत देर से यहाँ पे बैठी हुई हैं, थक गई होंगी ना। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाके आराम कर लो, मैं बड़ी माँ के पास बैठ जाती हूँ। अदिति एक बात बताओ, जब बड़ी माँ गिरी थी आस पास कोई दिया या मोमबत्ती रखा था क्या? मोमबत्ती? नहीं भाभी, मोमबत्ती ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन क्या हुआ, आप ये क्यों पूछ रही हो? ठीक है प्लीज़ एक काम करो ना, मेरे कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लिया। हाँ भाभी सब ठीक तो है ना? नहीं वो बस बड़ी माँ के घाव में दवाई लगाए, मैं अभी लेके आती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन सब घटनाओं के पीछे कुछ तो अजीब है। ठीक है ना बड़ी माँ? आपको आपको दर्द तो नहीं हो रहा? आप ठीक है ना बड़ी? मैं बहुत घबरा गई थी। कहाँ रखा होगा भाभी ने फर्स्ट एड बॉक्स? ऐसे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ देखो? ये तो वही कड़ा है ना जो आरफ भाई भाभी के लिए लेके आए थे। कितना खूबसूरत कड़ा है ये। नो वंडर आरफ भाई को ये इतना पसंद क्यों आया। जाके सबको बुला के लाती बड़ी माँ। हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बड़ी तुमने बिल्कुल ठीक कहा सिमर बेटा, इस हादसे के पीछे कुछ तो अजीब है। हम खुद से नहीं गिरे, हमें किसी ने धक्का दिया। क्या? और जब हम गिर रहे थे हमें लगा जैसे हम बिल्कुल आग के बीच में जाकर गिरे। आग? मतलब? पता नहीं बेटा, हमारे चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें थी, बहुत भयानक नजारा था। बड़ी मां आपको यकीन तो है ना? कैसे यकीन ना हो बेटा, ये जले के निशान फिर कहाँ से? तुम्हें बताओ बड़ी माँ, आपके कहने का मतलब ये है कि ये सब उस मूर्ति की वजह से हुआ? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है बड़ी माँ? आपके साथ जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त वो मूर्ति इस घर में नहीं थी। उस वक्त नहीं जानते बेटा, लेकिन अच्छा हुआ और उस मूर्ति से पीछा छूटा। क्या हुआ सिमर बेटा, वो मूर्ति दुकान में वापस करती ना? बड़ी माँ आरफ जी और मैं वो मूर्ति वापस करने ही गए थे, लेकिन उतने में कॉल आ गया और हम यहाँ दौड़े चले आए। हे माँ दुर्गा, वो मूर्ति अभी भी यही है, ये ठीक नहीं है बेटा, मतलब अभी बुला टली नहीं है। हे माँ दुर्गा, हमारे परिवार को चाहिए। बड़ी माँ प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, मैं पहले आपको दवाई लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं उस मूर्ति को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। वो मूर्ति ठीक नहीं है,